बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में विराट पुस्तक मेला का गुरुवार को मंडलायुक्त अनिल गुप्ता ने शुभारंभ किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा सत विचारों के प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे विचार क्रांति वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रंचित 3200 सत साहित्य को निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से चयनित मानव जाति के समस्त समस्याओं के संपूर्ण समाधान हेतु क्रांतिकारी पुस्तकों का आयोजन समानयक अशोक तिवारी के नेतृत्व में विराट पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। एक ही लेखन द्वारा 3200 से अधिक भाषा और अर्थ ग्रंथों के दर्शन एक स्थान पर देख कर पाठकों की इच्छा इस विराट पुस्तक मेले में आने के लिए जरूर होगी। विराट पुस्तक मेला 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर राम मुरारी गुप्ता, रविंद्र तिवारी, अशोक तिवारी, रमाशंकर तिवारी, अशोक सिंह, ध्रुव नारायण तिवारी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अशोक तिवारी और मंडलायुक्त अनिल गुप्ता ने कहा, ये बल्कि की अगर पूरे उसमें लग सकते तो बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ जो दीवार जाते हैं आपके अंदर अशोक कुमार तिवारी। इसमें साहित्य जो है मनुष्य के मानसिक परिष्कार के लिए तथा उनके जीवन के समस्याओं और आंतरिक उलझनों को ठीक करने के लिए इस प्रकार से साहित्य लगे हुए हैं, जिसमें इस प्रकार के विचार हैं। जो मनुष्य अगर पढ़ेगा और उसका चिंतन मनन करेगा तो निश्चित है कि आंतरिक उलझनें उसकी दूर होंगी और जीवन की समस्याएँ दूर होगी। इसमें महापुरुषों के एक ही व्यक्ति ने लिखा हुआ है 3200 साहित्य परम पूज्य गुरु आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा ने, जिसमें ये 1200 प्रकार के साहित्यों का वो किया जा उन्हीं के द्वारा ये सब हुआ है, लिखा हुआ साहित्य है और डिस्प्ले किया गया है। और इसमें सारे महापुरुषों का जीवन परिचय, वेद पुराण वाङ्मय और ये इंग्लिश भी बुकें हैं, और जीवन निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, बाल निर्माण, सब के लिए एक बच्चे से लेकर के वृद्ध तक के साहित्य इसमें हुए हैं। अगर कोई पढ़ता है तो उसका अंतरे में जो उलझन होती है, जो मानसिक है उलझन है, वो दूर हो, निश्चित दूर हो जाएंगी। इसके लिए साहित्य लगाया गया हुआ है, सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, विचार क्रांति के लिए गुरुदेव के। अगर लोग पढ़ेंगे तो निश्चित है कि उनके अंदर परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन होगा, तो इसे युग निश्चित रूप से बदलेगा, ऐसा गुरुदेव का आश्वासन। ये 11 दिन के लिए है, 25 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच तक चलेगा यह। देखिए, गायत्री परिवार की ओर से पुस्तक मेला लगाया गया है, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित ज्ञानवर्धक पुस्तकें, जो भी साहित्य है, सारा साहित्य यहाँ लाया गया है। और मेरे विचार से गोरखपुर के लोग यहाँ का भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे।